ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಸ್ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಮೇ ಏಕ್ ವುಮೆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಹೀಂ ಹೈ. आप जानते हैं आज के हालात बहुत ख़राब हैं और ख़ासकर वुमेंस के लिए सेपरेट कॉलेज बनाना बहुत ही और हालात के मद्देनज़र रखते हुए बच्चियों को आगे पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से कबीर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज के साथ मिलकर हम लोग ये इनिशिएटिव किए हैं. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट कबीर पीयू कॉलेज का इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर देखेगा और अनुकूल के तकते ವಿದ್ಯೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಮವಾಗದಿದ್ದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಂದ. यहाँ मर्दल्ली में कबीर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज फॉर वुमेन का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें हमारे जोएब भाई जो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो हमारे मोहल्ले में काम करता है, एक एनजीओ है, बहुत बढ़िया काम करते आ रहे हैं. इस मोहल्ले में एक वुमेन कॉलेज नहीं है. आप जानते हैं आज के हालात बहुत ख़राब हैं और ख़ासकर वुमेंस के लिए सेपरेट कॉलेज बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम बात है. तो इस सिलसिले में जो यहाँ पे कबीर आश्रम जो चला रही थी एक ट्यूटोरियल, ये बिल्डिंग में यहाँ पर इन्होंने ये पीयू कॉलेज शुरू की है. आगे चलकर यहाँ पर पूरे हब्बाड़ में ख़ासकर हमारे तबके के लोगों को बहुत इसमें फ़ायदा होगा और हालात के मद्देनज़र रखते हुए बच्चियों को आगे पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं वापस जुआइब भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि वो इस मोहल्ले में इस तरह की एक कॉलेज शुरू की है और आगे चलकर ये अच्छे से अच्छे बड़े और आगे बढ़े, ताकि तादाद बढ़े और हमारे लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर एक कॉलेज है जिसमें अच्छी सी एजुकेशन दी जाती है और सस्ते में एजुकेशन दी जाएगी इंशाल्लाह. तो मैं वापस इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से कबीर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज के साथ मिलकर हम लोग ये इनिशिएटिव किए हैं. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट कबीर पीयू कॉलेज का इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर देखेगा. इसमें ईश्वर राव सर का काफ़ी हाथ रहा है. उन्होंने एक्चुअली वो फाउंडर है कबीर सोसाइटी के और गोविंद राव सर वाइस प्रेसिडेंट है. तो उनके एक कॉलेज अवेलेबल थी, वो चाह रहे थे कि कोई मैनेज करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनजीओ आगे आई है. तो हम इंशाल्लाह ये इस बुनियाद से कर रहे हैं कि स्पेशली फॉर गर्ल्स
क्योंकि आजकल जो माहौल चला है और जो इश्यूज़ हुए हैं, तो हम चाह रहे थे कि गर्ल्स को एम्पावर करें। विमेन एम्पावरमेंट का जो एक मुहिम चलाई गई है, पहले भी आपने देखा कि हम लोग जो है 21 बिजनेस आइडियाज़ लेकर जो है औरतों को घरों से कैसे काम कर सकते हैं, इस मुहिम पर काम किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए एक कॉलेज भी शुरू किए हैं, इसमें जो है PUC है, आर्ट्स एंड कॉमर्स, अभी इंशाल्लाह आगे चल के जो है साइंस भी इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह दिस एकेडमिक ईयर 2022-23 वी विल स्टार्ट एडमिशन एज ऑफ नाउ। सी द कॉलेज विल एक्ट इंडिपेंडेंटली एज अ कॉस्ट सेंटर बाई इट्सेल्फ, इट हैज़ टू जनरेट इट्स ओन फंड्स, बट हाउएवर इफ देर इज एनी शॉर्टफॉल दैट इट हैज़ टू टेक केयर, द ऑर्गेनाइजेशन विल पिच इन एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज द फाइनेंसेस। डेफिनेटली फैसिलिटी अच्छी है, हमारे पास वक्त भी अवेलेबल है, ट्यूशन्स हो, UPSC प्रोग्राम्स हो, या फिर जो भी ट्रेनिंग सेशंस हो सकते हैं, जो भी एम्पावरमेंट हो सकता है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। अभी कॉलेज तो गर्ल्स के लिए होगी, कॉलेज गर्ल्स जाने के बाद इंशाल्लाह उसमें जो भी ट्रेनिंग्स होंगे या फिर ट्यूशन्स कर सकते हैं, उसमें जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए करने का प्लान है इंशाल्लाह। ऑलरेडी क्या है, हमने फीस स्लैश कर दिए हैं, ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी जो है पैसों पे फोकस करती है, पैसे कम करो करके, ये नहीं देखते कि उनका परसेंटेज क्या है। हम चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छा पढ़े, हमारे पास अगर बच्चे 85% 90% लेकर आते हैं तो डेफिनेटली वी विल नॉट चार्ज, वी विल गिव देम द डिस्काउंट्स दैट आर नेसेसरी अगर वो लोअर तबके से है। लेकिन एक ऐसा मिजाज बन गया है कि एजुकेशन पे पैसे ही खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन वही फैमिली हम देख सकते हैं कि बाज़ारों में है, ईद के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, शादियों में खर्च करते हैं, जब एजुकेशन की बात आती है तो पैसे ही खर्च नहीं करना चाहते। और स्पेशली अगर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल मिल जाए या कॉलेज मिल जाए तो आकर ऐसे डिस्काउंट पूछते हैं जैसे उनका हक है करके। अगर आप पैसे देंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, और हम दूसरा कुछ और ज़्यादा नहीं करने वाले, उसमें टीचर्स की क्वालिटी इंक्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपको जो है अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगे, आप कॉम्पीट कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं पे करेंगे तो हम भी क्या, अगर क्वालिटी अल्लाह ना करे अगर डिप कर दे तो क्या एजुकेशन मिलेगा बच्चों को। सो हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि ये जो माइंडसेट है आपका कि पैसे कम करो, पैसे मुस्लिम एजुकेशन है तो कम करो पैसे, हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। इफ़ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज़, इट्स अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, एवरीबडी इज़ अवेयर। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे पैसा खर्च करें, ईद के लिए कपड़े ना लें नो प्रॉब्लम, लेकिन एजुकेशन पे पैसा खर्च करें ताकि जो है हमारी कौम आगे बढ़ सके, और इन टर्न वी हेल्प द नेशन ग्रो। व्हेन द कम्युनिटी ग्रोज द सोसाइटी ग्रोज एंड इनवेरिएबली द नेशन ऑल्सो ग्रोज। So we want the nation to grow and we want everybody to develop. College address? Kabir Independent PU College for Women. It's at Matadahalli, Radhakrishna Theatre ke piche hai. We are available here from 10 a.m. to 4 p.m. all days. So you can walk in for admissions inshallah. Islamic Information Center in the idondo amogavadantaha sadhane anta helbale. Yakappa anta helidre Hebbala mattu suttumuttina pradeshagalalli ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಂತಹ ನಾವು ಕಬೀರ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಮವಾಗದಿದ್ದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಂದ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು, ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ದಾನವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಕೂ ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬೀರ್ ಇನ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಠದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.